क्या नाम है जी आपका? चीफना देवी जी, आपके साथ क्या हुआ है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ मेरा किडनी का ना, पर दिखाया नहीं भी क्या निकाला क्या नहीं। अच्छा। और बाद में बोला इतनी तारीख को आना, 2 तारीख को। अच्छा। 2 तारीख को आए हम, कहा बोले भाई आपकी पथरी किडनी निकाली है और स्टैंड डाला है, जिसके बाद बोले भी तुम 12 तारीख जो ना कहने थोड़ा कोई पैसा नहीं लगे, स्टैंड भी निकालेंगे पथरी भी। 12 तारीख जो आए तो बोले भी आप मतलब स्टैंड निकाल सकते कने पत्थरी नहीं निकाल सकते, और जो कहना स्टैंड पैसे लगने थे कहना ऑपरेशन के पैसे लगने कहना उल्टी कराना चाहते तो उल्टी करा सकते थे। नाम है जी आपका? मिलाप जी। मिलाप जी, ये जो आपकी मिसिस का ऑपरेशन हुआ है जी, क्या ये समस्या बता रहे हैं? क्या समस्या है? समस्या ये है कि ऑपरेशन हुआ तो 3,500 उन्होंने कैश लिया, ठीक है जी, और इतने पैसे में कोई बिल चंग दिया। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने पथरी दिखाई दी हमारे को। अच्छा, फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि पथरी निकालेंगे कने स्टेंट भी निकालेंगे, फिर आपका फ्री ऑपरेशन होगा। अच्छा, जब पूरी बात होने लगी तो उन्होंने 50,000 पैसे मांगे। पहले पैसे कितने ले लिया? 23,500 तो नकद कैश लिए गूगल पे खरीदी में, पर बाकी इतना पैसा जी वो कोई बिल दी उन्होंने। अभी तक कितने पैसे ले चुके हैं? 36,000 दे चुके हैं। और बाकी अब कितना मांग रहे हैं आगे? अभी 50,000 मांग रहे। तो ऑपरेशन किस चीज का हुआ? क्या मांग करते हैं सरकार से जी? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये सरकार से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ सुनवाई होना चाहिए कि अनदेखी हो रही है। इधर गरीब हिमकेर साथ में लगा, हमें ये पता नहीं हिमकेर कितने लिया, हमारे को तो सामने आ गई हिमकेर कितने लिए मेरे को मालूम। ठीक है जी, पहले हिमकेर लिया था आपसे? हाँ जी, अटैच हुआ फाइल के साथ। हाँ जी, 100 रुपये आपने ले लिए, उसकी कोई बिलिंग नहीं हुई है ना? हाँ, उसके पास कोई बिल नहीं है उस चीज का, गूगल पे आपको पैसे किए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि उसका बिल क्यों नहीं दिया गया पेशेंट को? पेशेंट को बिना बिल के आजकल फॉर्म, चलो इसमें सर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में ये कहूँगा कि जो डीलिंग है हमारा लगता है, जब से उसकी सैलरी डली है गाँव में तब से नहीं आया, जैसे कि होता है। नहीं, आज आप बोल रहे हैं कि लड़का नहीं आया, कल आपने बोला मैडम के पास होता है तो वही देखती हैं सर। वो लड़का मैडम वो इकट्ठे करते हैं ना, मेरी मैम जो अकाउंटेंट है जो डीलिंग हैंड है वही करता है ना, तो मेरे थोड़ी ना कि जो है वो नहीं है, तो आएगा तो आपको बता देंगे डिटेल सारी। कब तक आएगा सर? चलो कल दिन का गया हुआ है फिलहाल, कल वो आया था थोड़ी देर, हुआ ये है कि तो आपके पास ही होंगे ना सर, उसके बारे में तो है ना हमारे पास, पर कंप्यूटराइज होता है ना सारा, तो उसका पास अगर उसके पास।